विधानसभा संयोजक पवन पुनिया ने कहा कि भाजपा सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर ऐतिहासिक फैसला किया है। भाजपा ने घोषणा पत्र में लोगों से जो वादे किए थे उन्हें पूरा करने का काम किया है। सरकार की इस निर्णय से हरियाणा प्रदेश में खुशी की लहर चल रही है। भाजपा के होडल विधानसभा संयोजक पवन पुनिया ने कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बहुप्रतीक्षित फैसले पर केंद्र सरकार ने मोहर लगा दी है। उन्होंने कहा कि आजादी के 70 सालों में देश में भाजपा सरकार पहली ऐसी सरकार है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए धारा 370 को हटाने का काम किया है। सरकार का यह फैसला देश के प्रत्येक नागरिक के दिल में समा गया है। सरकार के फैसले से सही मायने में दिवाली जैसा माहौल है। धारा 370 हटने से पहले कश्मीरी भाइयों के साथ खूनी खेल खेला जाता था, लेकिन आज के बाद सरकार के ऐतिहासिक निर्णय ने कश्मीरी भाइयों को आजादी दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में निर्णय लेने की क्षमता है। सरकार ने समय समय पर ऐतिहासिक फैसले लेकर यह सिद्ध कर दिया है कि भाजपा सरकार सबसे बेहतर सरकार है। केंद्र सरकार के इस निर्णय का हरियाणा विधानसभा चुनावों पर भी पड़ेगा। हरियाणा विधानसभा चुनावों में भाजपा सभी 90 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला और लड्डू बांटे। इस मौके पर विधानसभा संयोजक समेत कुछ अन्य युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भी खुशी का इजहार किया। हाँ जी, धारा 370 हटने से सेना के मनोबल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सेना का ऐसे मनोबल बढ़ा है और जो ये पत्थरबाजी होती थी ये इस पत्थरबाजी में कटौती होगी। इसमें अब कोई पत्थरबाजी जो उपद्रव होता था वहाँ उपद्रव सब बंद हो जाएगा और पूरे देश में इस 370 धारा हटने से पूरे देश में खुशी की लहर है। 35 ये हटने से भी अब ये इससे कि कोई भी वहाँ पर अपना निवासी पूरे देश का जम्मू कश्मीर से और कन्याकुमारी तक एक तरह का माहौल रहेगा, एक झंडा रहेगा, पूरे देश में खुशी का माहौल है इस चीज़ से। हाँ सर, ये जो खुशी का माहौल बनाया है इससे और धारा 370 हटने से क्या फायदे होंगे आपके हिसाब से? कल जो हमारे गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी ने जो कल निर्णय लिया, ये लोकसभा में राज्यसभा में बिल पास किया है, इससे पूरे भारतवासियों को बहुत बेहद खुशी है, भारी खुशी है। इससे हमारी एकता, अखंडता, हमारी भारत का एक पूरे दुनिया में, एक पूरा विश्व, एक आज पूरे देश में बहुत ही ज़्यादा हमारा गुणगान हो रहा है। आज पूरा भारत एक अखंड भारत के हम कह सकते हैं और पूरा देशवासी हर्षोल्लास का माहौल है। सभी देशवासी हैं गदगद है, इस बात को महसूस कर रहा है। पूरे गली गली हर देशवासी के दिल में बहुत ही उत्साह व खुशी है।